वेलकम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन एजुकेशन जीवन प्रज्ञा विद्यालय में आपका स्वागत है। हाय किड्स, टुडे वी आर लर्न समथिंग रियली एक्साइटिंग फॉर यू। क्या आप जानते हो हम क्या सीखने वाले हैं? तो यस, आपके आपके सामने ये चार्ट है। तो हम क्या सीखने वाले हैं? अवर बॉडी पार्ट्स। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले रुको, आज हम एक पोयम भी सुनते हैं बॉडी पार्ट्स के बारे में। तो चलो मैं आपको पोयम सुनाती हूँ। चबी चिक्स, डिंपल चिन, रोजी लिप्स, टीथ वी दिन, कर्ली हेयर, वेरी फेयर, आईज आर ब्लू, लवली टू, टीचर्स पेट, इज दैट यू? यस यस यस। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अवर बॉडी पार्ट्स। अब हम हमारे बॉडी पार्ट्स के बारे में जानते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। एच ई ए डी हेयर, एच ए आई एर हेयर, ई वाई ई एस आईज, एन ओ एस ई नोज, एन ई सी के नेक, ई ए आर एस ईयर्स, पी ए एल एम पाल, M O U T H mouth, W R I S T wrist, E L B O W elbow, S H O U L D R shoulder, C H E S T chest, A R M S arms, H A N D hand, S T O M A C H stomped, T H I G H S thighs, K N double E knee, F double E T feet, L E G S legs, A N K L E ankle, T O E S toes, F I N G E R S fingers। तो ये हमारे अवर बॉडी पार्ट्स है। तो बच्चों, अब आपको आपका होमवर्क देती हूँ। तो होमवर्क में क्या करना है? तो विच बॉडी पार्ट इज यूज फॉर, तो हमारे बॉडी पार्ट्स कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं? तो सी 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 मतलब क्या होता है? सी मतलब तो देखना होता है। हम किसकी मदद से देख सकते हैं? तो आंखों की मदद से देख सकते हैं। फिर स्मेल, ईट, डांस, वॉक, बाइट, क्लैप एंड किक, ये सब आपको खुद से लिखना है। क्लैप, क्लैप कहाँ से कैसे कर सकते हैं? तो दो हाथों की वजह से, मतलब हैंड। फिर किक, किक कैसे कर सकते हैं? तो लेग की वजह से। ऐसे आपको ये सारे लिखने हैं। फिर दूसरा गिव टू यूज ऑफ हैंड, लेग्स, नोज, टीथ, इन दोनों, इन सब के हमें दो दो कार्य बताने हैं, मतलब काम बताने हैं। हैंड्स की वजह से हम क्या क्या कर सकते हैं? तो हैंड्स की हेल्प से हम क्लैपिंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं। लेग्स, लेग्स की वजह से हम क्या कर सकते हैं? उसकी हेल्प की मदद से, हेल्प से, तो लेग्स से हम वॉक कर सकते हैं, चल सकते हैं ना, तो फिर चल सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। वैसे नोज एंड टीथ, तो आप ये सब अपनी बुक में, होमवर्क में लिख लीजिए। बाय बच्चों, हम कल मिलेंगे।